स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। 2024 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले संगठन का नाम क्या है? ए मेमोरियल, बी निहोन हिदानिक्यो, सी ग्रीन पीस, डी संयुक्त राष्ट्र। आंसर बी निहोन हिदानिक्यो। एक्सप्लेनेशन, 11 अक्टूबर 2024 को हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम से बचे लोगों हिबाकुशा का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीनी स्तर के संगठन निहोन हिदानिक्यो को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संगठन दुनिया को विनाशकारी हथियारों से मुक्त कराने के प्रयास में लगा हुआ है। अगला प्रश्न, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए नटराजन चंद्रशेखरन, बी राजेश गोपीनाथ, सी साइरस मिस्त्री, डी नोएल टाटा। आंसर डी नोएल टाटा। एक्सप्लेनेशन, 9 अक्टूबर 2024 को अपने सौतेले भाई रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा के बारे में कहा कि वे रतन टाटा और टाटा ग्रुप के संस्थापकों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। नोएल टाटा ने कहा कि वह अपने साथी ट्रस्टियों द्वारा दी गई इस जिम्मेदारी से बहुत सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 अक्टूबर, बी 11 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर, डी 30 अक्टूबर। आंसर बी 11 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनोखी चुनौतियों को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 में इस दिन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। आंसर सी उत्तराखंड। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की अध्यक्ष पीटी उषा इस सिलसिले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। कार्यक्रम को आयोग महासभा से मंजूरी मिलनी बाकी है जिसकी बैठक 25 अक्टूबर 2024 को होने वाली है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ए कैमूर, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी गया। आंसर ए कैमूर। एक्सप्लेनेशन, केंद्र सरकार ने बिहार राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व को अस्थायी मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व राज्य के कैमूर जिले में स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय बिहार राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के बाद आया और इसका उद्देश्य क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण में सुधार करना है। कैमूर के जंगल बिहार में सबसे बड़े हैं, जिनका क्षेत्रफल 1134 वर्ग किमी है।